अनलॉक चार प्रक्रिया के बाद राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है। इसके साथ ही रिकवरी दर में भी सुधार हुआ है। मौजूदा समय में रिकवरी दर 75% तक पहुंच गई है। देहरादून में कोरोनेशन अस्पताल के सीनियर फिजिशियन डॉक्टर एनएस बिश ने कहा कि कोरोना केस बढ़ने की बड़ी वजह लोगों की लापरवाही भी है। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि ज्यादा टेस्टिंग होगी तो ज्यादा केस मिलेंगे, लेकिन प्रसार क्यों इतना हुआ, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो लग रहा है वो ये है कि लोगों के द्वारा बुखार के सिम्टम्स को छुपा के रखना और अपने फैमिली में, अपने परिजनों में और जहां जहां उनका आवागमन होता है उन जगहों पर कोरोना का प्रचार उन्होंने प्रसार कर दिया। आईसीएमआर की नई गाइडलाइन के तहत यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके अंदर कोरोना के लक्षण है या वो अपना कोरोना टेस्ट कराना चाहता है तो बिना डॉक्टर की सलाह के भी वो जांच करा सकता है। वहीं कल जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार राज्य में कोरोना संक्रमण के 764 नए मामले सामने आए। प्रदेश में कुल 10,799 एक्टिव केस हैं, जबकि कोरोना संक्रमण से कुल 574 लोगों की मृत्यु हुई है। उधम सिंह नगर में परिजन अस्पताल में भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीजों को देख न पाने की शिकायत कर रहे थे। परिजनों की शिकायत पर जिला प्रशासन ने कोविड वार्ड में सीसीटीवी कैमरा लगाया है। कोरोना मरीजों की मॉनिटरिंग के लिए जिला अस्पताल में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां डिस्प्ले टीवी के साथ कॉलिंग की सुविधा भी दी गई है, जिससे परिजन अपने मरीजों से सीधे बात कर सकते हैं। कोई यदि किसी परिजन को कोई परेशानी हो, कोई वो कहना चाह रहा है या कोई मरीज को कोई परेशानी हो, अपनी बात रखना चाह रहा है, तो वहाँ पे वो कॉल करके बता सकते हैं। और वहाँ पे सीसीटीवी की सुविधा भी डीएच में कर दी गई है। बहुत सारे परिजनों की ये आवेदन रहता था, शिकायत रहती थी कि वो अपने जो उनके मरीज हैं, परिजन हैं, उनसे बात नहीं कर पा रहे, तो उसकी भी व्यवस्था बना दी गई है। वहाँ पे रजिस्टर रख दिया गया है। काशीपुर से जिला अस्पताल में भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीज को देखने आए उनके परिजन नई व्यवस्था से संतुष्ट नजर आए। हम लोग काशीपुर से दूर से आए, तो यहाँ पर सरकार ने सीसीटीवी कैमरे के द्वारा उनको दिखाने की सुविधा उपलब्ध की है, जो बहुत अच्छी है। हमें शांति मिलती है उसे देख के। हम अपने मरीज को देख सकते हैं कि वो ठीक है, हाथ हिला रहे हैं, नहीं हिला रहे हैं, तो ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है।